डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारी बातें की थी, उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है और अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने उस वीडियो में बहुत सारी बातें की है। और एक बात, इस वीडियो के एंड में हम नवंबर 2019 के विनर का नाम अनाउंस करेंगे और उनको हमारी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो वो कौन है, कौन भाई साहब है, कौन बहन जी है, जो भी है, लेकिन उन्होंने नवंबर महीने में सबसे ज़्यादा टॉप 3 में आंसर किए हैं, तो वो बातें हम वीडियो पूरा होने के बाद करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जेचल्स पर बहुत स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा समूचे भारत की महिला समाज को वो अधिकार दिए जो मनुस्मृति और समाज ने नकारे थे। हमारे यहाँ पर बहुत ही पहले से सदियों से ही नारी की स्थिति को लेकर काफ़ी विरोधाभास रहा है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ये बात हम जानते हैं। नवंबर 1938 में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक द्वारा परिवार नियोजन के तहत महिलाओं को अनचाहे गर्भ से मुक्ति के फैसले की आज़ादी दी गई। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तभी कहा जा सकता है जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना जाए और उनको पुरुषों के समान अधिकार दिए जाए। बाबा साहब का मानना था कि महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें घर, परिवार, समाज सब जगह पर बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षा और आर्थिक उन्नति उन्हें बराबरी दिलाने में मदद करेगी। हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव, तलाक का अधिकार, तलाक के बाद भरण पोषण का अधिकार, विवाहित पुरुषों का एक से ज़्यादा पत्नी रखने पर प्रतिबंध, विधवाओं और अविवाहित कन्याओं का बिना किसी शर्त पे पति या तो फिर पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार दिया गया था। शॉर्ट में कहे तो हिंदू कोड बिल का जो प्रावधान थे उनके, वो स्त्री और पुरुष को एक ही नज़र से देखने वाले थे, अलग अलग नहीं। बाबा साहेब का आग्रह था कि हिंदू कानून में अंतर जातीय विवाहों को भी मान्यता दी जाए और जाति प्रथा को बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका अहम होती है। बाबा साहेब द्वारा अंतर जातीय विवाहों को हिंदू कानून के तहत मान्यता दिलाने की जो कोशिश थी वो भी उनकी जाति मुक्त समाज बनाने की दूरदर्शी योजना का ही एक अंग थी। बाबा साहेब हिंदू कोड बिल के जरिए धार्मिक आचरण में प्रगतिशील मूल्यों को रखकर उन सामाजिक आचरणों को बदलने के लिए एक आधार निर्मित करना चाहते थे जो हिंदुओं के जीवन को विकृत कर रहे थे, इसीलिए उनको हिंदू धर्म का सुधारक भी कहा जाता है। लेकिन जब बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया तो संसद के अंदर और बाहर इसका भारी विरोध होने लगा, जिसके चलते वो बिल उस वक्त पास नहीं हो पाया। और इसी के चलते 1951 में हिंदू कोड बिल के साथ साथ और भी कई मुद्दों को लेकर बाबा साहेब ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये बिल बाद में टुकड़ों में बंटकर पास हुआ और इस बिल का जब आखिरी हिस्सा बाबा साहेब के परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 के बाद पास हुआ, जो अपने सामने देखना चाहते थे वो पास होते हुए, लेकिन वो जीते जी वो नहीं देख पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मृत्यु के वक्त बाबा साहेब के पास संपत्ति के नाम पर 10,000 रुपये का लोन था, वो भी उन्होंने किताबें खरीदने के लिए लिया था और उनके घर में उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें 50,000 से ज़्यादा सिर्फ किताबें थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने साथ देने वाले उच्च वर्गीय इंसानों को हमेशा सम्मान के साथ याद रखा। उनके स्कूल टीचर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, शाहूजी महाराज और भी बहुत सारे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। बाबा साहेब की शोषित की जो संकल्पना थी उसमें सिर्फ अछूत लोग नहीं आते थे बल्कि किसान, मजदूर, कामदार, महिलाएं भी आती थी। जनरली बाबा साहेब को लेकर लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने एक दो वर्गों के लिए काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया है। तो बाबा साहेब को जातियों की सीमाओं में बांधना या फिर सिर्फ संविधान का निर्माता कहना या फिर सिर्फ दलितों के मसीहा के तौर पर सीमित कर देना एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार कानूनविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, समाज सुधारक, आंदोलनकारी, धार्मिक मौलिक चिंतक, दूरदर्शी विचारक, राष्ट्रवादी देशभक्त, लेखक, नागरिक, शिक्षक, जिस रूप में आपको चाहिए, जिस रूप में आपको ज़रूरत है, उस रूप में उपलब्ध है।
अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जाने पढ़े समझे। आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले मैं आपको नवंबर 2019 के विनर का नाम बता देता हूँ। तो 2019 के नवंबर महीने में हमने जितने भी वीडियोस में जितने भी सवाल पूछे थे उन सब में टॉप थ्री में जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार आंसर किया उनका नाम है विक्रम साहा जी। वेल डन विक्रम जी, आपको हमारी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है हमारे फेसबुक पेज का, वहाँ पर जाकर हमारी टीम का कांटेक्ट करना रहेगा। आगे आपको क्या करना है आपको वहाँ से गाइडेंस मिल जाएगा। और भी जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी कोशिश की थी और विक्रम जी के पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ, 80 पॉइंट्स उनके हैं, मतलब उन्होंने 8 बार टॉप थ्री में आंसर किया है। और हर बार की तरह ये प्रॉब्लम होता है कि लोग दो बार करके, तीन बार करके, चार बार करके छोड़ देते हैं। अगर आप करते हो तो कंसिस्टेंट किया करो, चार बार पाँच बार का मतलब नहीं रहता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ डिसंबर 2019। तो जाने से पहले मैं आपको उन तीन लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने बाबा साहेब के पार्ट वन वाले वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 14 अप्रैल 1891। टॉप थ्री में जिन्होंने आंसर किया उनका नाम है संकेत संगीत, सोमेश अभिनंदे एंड MD मकसूद। वेल डन गाइस, आप तीनों को हमारी तरफ से 10 पॉइंट मिलते हैं। जाते जाते आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि हमारे देश के, भारत देश के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। फिर से एक बार सुन लीजिए, भारत देश के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अकाउंट में 10 पॉइंट को जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।